नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। खेत के कुएं में गिरा बाघ, वन विभाग द्वारा बाघ को बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। केंद्रीय मंत्री गडकरी व वी के सिंह ने विठ्ठल रुक्मिणी के किए दर्शन, पालकी मार्ग व राष्ट्रीय महामार्ग के भूमि पूजन में हुए शामिल। और रामटेक तहसील के खिंसी परिसर में बेटाडोर ने दोपहिया को मारी टक्कर। और अब रुक करते हैं आज की खबरों पर। चंद्रपुर जिले के वरोरा में आलपुर और मुखाड़ा परिसर में एक किसान के खेत में कुएं में बाघ गिर गया। बाघ के गिरने की खबर गांव में फैलते ही लोगों ने बाघ को देखने के लिए भीड़ कर ली। वहीं वन विभाग द्वारा बाघ को कुएं से बाहर निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चंद्रपुर जिले के वरोरा में आलपुर और मुखाड़ा परिसर में किसान गमन शिरपाते के खेत में रविवार रात को बाघ शिकार के तलाश में आया था। इसी बीच बाघ खेत के कुएं में गिर गया। सोमवार सुबह यह घटना सामने आई। बाघ के कुएं में गिरने की खबर फैलते ही ग्रामीणों ने बाघ को देखने के लिए भीड़ कर ली। वहीं वन विभाग को भी इस घटना की जानकारी दी गई। वन विभाग की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर बाघ को बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन अनियंत्रित भीड़ की वजह से बाघ को कुएं से बाहर निकालने में काफी परेशानी हो रही थी। लेकिन अब भी वन विभाग द्वारा बाघ को बाहर निकालने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। पंढरपुर को जोड़ने वाला पालकी मार्ग और राष्ट्रीय महामार्ग के भूमि पूजन व लोकार्पण समारोह पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पंढरपुर आए थे। इसी बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वी के सिंह ने विठ्ठल रुक्माई के दर्शन किए। इस दौरान विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिति द्वारा दोनों का भव्य स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वी के सिंह ने सोमवार को पंढरपुर पहुंचकर विठ्ठल रुक्माई के दर्शन किए, साथ ही अपने भगवान विठ्ठल रुक्मिणी से आशीर्वाद लेकर अपने देश की जनता के लिए प्रार्थना भी की। इस दौरान श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिति द्वारा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राज्य मंत्री वी के सिंह का भव्य सत्कार किया गया। इस दौरान मंदिर समिति के सहअध्यक्ष हभप गहिनीनाथ महाराज औसेकर, नगराध्यक्ष साधना भोसले, जिलाधिकारी मिलिंद शंभरकर, मंदिर समिति के कार्यकारी अधिकारी तथा प्रांताधिकारी गजानन गुरव, व्यवस्थापक बालाजी पुदलवाड़, समिति सदस्य शिवाजी महाराज मोरे, अतुल शास्त्री भगरे, ज्ञानेश्वर महाराज जलगांवकर, शकुंतला नडगिरे, माधवी निगड़े आदि उपस्थित थे। पंढरपुर को जोड़ने वाले पालकी मार्ग और राष्ट्रीय महामार्ग के भूमि पूजन व लोकार्पण समारोह के अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पंढरपुर आए थे। रामटेक तहसील के खिंसी परिसर में मेटाडोर ने दोपहिया को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में पुलिस कर्मचारी गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। खिंसी परिसर में तेज रफ्तार अज्ञात मेटाडोर ने दोपहिया को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में पुलिस कर्मचारी उमेश परसगाए गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। उमेश परसगाए दिवाली मनाने के लिए अपने घर देवरी गए थे। रामटेक पुलिस थाने में वो कांस्टेबल पद पर कार्यरत हैं। जिला परिषद सदस्य दूधराम सवाला के व नाडीसेकू बैंक के पूर्व संचालक डॉ. राम सिंह सहारे बैठक निपटाकर सड़क से गुजर रहे थे। इसी बीच उमेश परसगाए उन्हें गंभीर जख्मी हालत में मिले, जिसके बाद उन्होंने जख्मी पुलिसकर्मी को रामटेक उप जिला अस्पताल भर्ती करवाया। रामटेक के पुलिस उप निरीक्षक ओम कलीपुरवार, पुलिस उप निरीक्षक राउत ने उप जिला अस्पताल पहुंचकर परसगाए को प्राथमिक इलाज पर नागपुर लाया, जहां उनका इलाज जारी है। इस प्रकरण में रामटेक पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। नागपुर के प्रभाग 31 में कई समस्याओं का अंबार लगा है। कई बार संबंधित समस्याओं का हल निकालने के लिए नगर सेवक को भी ज्ञापन दिया गया, लेकिन उन्होंने इस ओर नजरअंदाज किया। इसी के विरोध में प्रभाग के नागरिकों ने नगर सेवकों का जाहिर निषेध किया है। निषेध म्हणायचा. नगरसेवकांचा निषेध, प्रभाग 31च्या नगरसेवकांचा निषेध, प्रभाग 31चे नगरसेवक कामचोर, आश्वासनखोर, प्रभाग 31चे नगरसेवक कामचोर. नागपुर के प्रभाग 31 में खराब सड़क, महावीर उद्यान की हालत खराब, मैदान पर फैला कचरा, असामाजिक तत्वों का बढ़ता उपयोग, गडर लाइन की दुरुस्ती संबंध में समस्या, ऐसी कई समस्याओं के बारे में कई बार स्थानीय नागरिकों ने आवेदन दिया था, लेकिन किसी भी समस्या का हल नहीं किया गया. संबंधित नगर सेवकों ने केवल आश्वासन दिया. इसी विरोध में प्रभाग 31 के महावीर नगर परिषद के नागरिकों ने इकट्ठा आकर प्रभाग के सभी नगर सेवकों का जाहिर निषेध करने का निर्णय लिया. महावीर नगर मैदान पर जाहिर निषेध सभा आयोजित की गई थी. इसी दौरान बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे. बाईट. गेल्या अनेक वर्षापासून प्रभागातील ज्या समस्या आहेत त्या आजपर्यंत त्यांनी सोडवल्या नाहीत किंवा पूर्ण केल्या नाहीत, त्याकरता म्हणून हा निषेध आंदोलन आज आम्ही इथे आयोजित केलेलं आहे. आमच्या प्रभागाचे 4 नगरसेवक आहे आणि ही 4 नगरसेवकाची जी प्रथा आहे, प्रत्येक वार्डामध्ये जे 4 लोकांनी आपापली बाजूची सांभाळून घेतली आहे, पण ती आपली पुरेपूर सांभाळत नाही, त्यांच्या विरोधामध्ये आजची ही निषेध सभा आहे. प्रभागामध्ये गेल्या अनेक वर्षापासून आम्ही प्रयत्न करत असतो की पाण्याची समस्या, कचऱ्याची समस्या, रस्त्यांची समस्या सोडवण्याकरता त्यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे आणि ती सोडवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. पण गेल्या 4 वर्षामध्ये फक्त 2 वर्ष जर आपण महामारीचे सोडले आणि आताची जी सुरळीत झालेली जी व्यवस्था आहे, या व्यवस्थेमध्ये त्यांनासुद्धा आम्ही बोलवलं, पण नुसतं आश्वासन देऊनच त्यांनी तिथेपर्यंत राहिलेत. ते इथं कधी येऊन ढुंकून पाहिलं नाही. पण ठीक आहे, येत नाही हे मान्य जरी असेल तर आम्ही त्यांना बरेचदा इथे बोलवलं तरी ते येत नाहीत आणि स्वतःहून तो येण्याचा कधी प्रयत्नच करत नाही. किंवा वार्डामध्ये किंवा प्रभागामध्ये कुठल्या समस्या आहे, बऱ्याच ठिकाणी कचऱ्यांचा जो ढीग असतो तो जमा असतो, लोक कचरा करतात, त्याला त्याची उचल होत नाही. मधात कचरेवाले 5-5 दिवस आले नाहीत, त्यांना फोन करावं तर फोनचं उत्तर बरोबर देत नाहीत. अशा या अनेक समस्या असतात आणि त्या समस्यातून आम्ही विचार केला की त्यांना आपण बोलवायचं आणि ही समस्या त्यांच्यासमोर ठेवायची. पण साधतेसुद्धा आपलं तेवढं येऊन जी आमचं समाधानसुद्धा करू शकत नाही, याच दृष्टीतनं आजची ही सभा इथे आहे. अशा अनेक समस्या आहेत. पाण्याची समस्या आहे, गेल्या 1.5 महिन्यापासून जवळपास पाणी बरोबर पुरेसं येत नाही ते सांगतो आहे, तर त्यांनी उत्तर द्यायचं फक्त की आम्ही बघ कुठेतरी काम सुरू आहे. तर काम सुरू आहे ते 4 दिवस, 8 दिवस, आज 1.5 महिना झाला जवळपास पाण्याला फोर्स नाही आहे, पाणी बरोबर येत नाही आहे, लोक त्या समस्येमध्ये आहे. नागपुर की कपिल नगर पुलिस थाना अंतर्गत एक युवक को चाकू मारकर जख्मी करने की घटना सामने आई है. पुलिस ने इस मामले में एक विधि संघर्ष और एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया. शिकायतकर्ता 21 वर्षीय निलेश दिलीप चौधरी कस्तूरबा नगर निवासी ने बताया कि वो उसका मामा काम पर जा रहे थे. इसी बीच घर से फोन आया कि किसी ने उसके भाई को चाकू मारकर जख्मी कर दिया है, जिसके बाद वो सभी तुरंत घर पहुंचे. तो शिकायतकर्ता के भाई ने बताया कि उसे समता नगर परिसर में एक युवक ने हंसी मजाक करने के दौरान देख मैं कौन हूँ, मुझे जानता नहीं क्या, ऐसी दादागिरी करते हुए चाकू मार दिया और वहां से भाग निकला. इस हमले में शिकायतकर्ता का भाई गंभीर रूप से जख्मी हुआ है. पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी के साथ विधि संघर्ष बालक को भी गिरफ्तार किया. साथ ही जख्मी युवक का इलाज मेयो अस्पताल में शुरू कर दिया है. कपिल नगर पुलिस स्टेशन हद्दीमध्ये समतानगर येथे ही घडलेली घटना आहे. फिर्यादी आहे याच्यामध्ये निलेश दिलीप चौधरी दिनांक 6/2011 रोजी सकाळी 11:30 वाजताच्या दरम्यान हा जो आहे पीडित आणि त्याच्यासोबत एक मुलगा असे 2 जण त्याच्या मामाच्या घरी दिवाळीनिमित्त जाणार होते. रस्त्याने जाता जाता त्यांना त्या नाल्याजवळ दुसरे 2 मुलं ओळखीचे भेटले. ते मामाच्या घराजवळच राहायचे त्यांचे ॲक्च्युली. तर ते 2 भेटले, त्यांच्या 2घांमध्ये शाब्दिक वाद झाला. पहिले मजाक झाली, मग त्याच्यानंतर शाब्दिक वाद वाढत वाढत गेला आणि मैं क्या करूंगा तू देख लेना असं आरोपीने म्हणून त्याला पोटामध्ये चाकू मारला पीडिताला. यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, बाकी की खबरों को जानते हैं इस ब्रेक के बाद. बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश. पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, डिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागपुर के जरीपटका पुलिस ने क्रिकेट पर सट्टा खेलते हुए 3 आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा है। साथ ही आरोपियों के पास से कुल 40,000 का माल भी जब्त किया गया। नागपुर के जरीपटका पुलिस को जानकारी मिली थी कि श्री गणेश जूस और आइसक्रीम सेंटर पर IPL क्रिकेट मैच का सट्टा खेला जा रहा है। पुलिस ने जानकारी के आधार पर घटनास्थल पहुंचकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी जरीपटका के रहने वाले हैं। साथ ही आरोपियों के पास से पुलिस ने एक iPhone, एक डायरी, पेन, कुल 40,000 का माल जब्त किया और आगे की कार्रवाई जारी कर दी। नागपुर के विनोबा भावे नगर, उत्तर नागपुर में बड़ी धूमधाम से गौरा गौरी महोत्सव मनाया गया। इस दौरान भगवान गौरी शंकर की शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसका जगह जगह स्वागत किया गया। नागपुर के उत्तर नागपुर स्थित विनोबा भावे नगर स्थित गली नंबर 30 में गौरा गौरी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान भगवान गौरी शंकर की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका जगह जगह कई लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान भगवान गौरी शंकर से उपस्थित लोगों ने अपने परिवार की मंगल कामना की। इस धार्मिक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लोकनाथ शाहू, डेकुमार साहू, गंगा निताम, सुंदर शाहू, मुकेश देवांगन, आकाश साहू, गौकरण शाहू, नेम सिंह साहू, धनराज शाहू, आनंद काटेकर, रघु साहू, कबीर साहू, महेश साहू, दिनेश साहू, राजू साहू, मदन साहू, शत्रुघ्न साहू, तिलक साहू आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। कामठी रोड स्थित आशा हॉस्पिटल में वर्ल्ड क्वालिटी वीक मनाया जा रहा है। इस दौरान सेमिनार, नर्सिंग स्टेशन मैनेजमेंट, पोस्टर, स्लोगन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है, जिसमें अस्पताल के सभी कर्मचारी भाग लेंगे। इस संबंध में आशा हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉ. राजेंद्र अग्रवाल ने अधिक जानकारी दी। जगात आता हे जे मंथ आहे हे नोव्हेंबर मंथ क्वालिटी मंथ म्हणून साजरा करण्यात येत आहे। आमच्या इथे आशा हॉस्पिटलमध्ये हा आठवडा क्वालिटी वीक म्हणून साजरा करून राहिलो आहोत। क्वालिटी हे जे असते, क्वालिटीमुळे पेशंटला सर्वात जास्त फायदा होते आणि आम्ही त्याच्याकरता सतत प्रयासरत आहोत। यावेळेस विभिन्न पोस्टर कॉम्पिटिशन करणे किंवा पोस्टर कॉम्पिटिशन किंवा त्यांचे लेक्चर्स, वेबिनार्स असं आयोजित करण्यात आलेलं आहे। आणि आमचं जे हॉस्पिटल आहे, आशा मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल, पूर्ण NABH ॲग्रिडेटेड हॉस्पिटल म्हणून रिकग्नाइज करण्यात आलेलं आहे। आम्हाला खूप गर्व आहे, खुशी आहे, छान, आम्हाला खूप छान वाटते की तहसील क्षेत्रामध्ये, तहसील ठिकाणी आम्ही हे सुविधा उपलब्ध केली आहेत आणि यांचं जे फायदा असते ते गोरगरिबात पसरण्यात येत आहे। शहर अपने ऐतिहासिक स्थलों को सहेजने में नाकाम साबित हो रही है। मोक्षधाम चौक के समीप ऐतिहासिक हेरिटेज छतरी प्रशासकीय लापरवाही के चलते सार्वजनिक उपयोग से बर्बाद हो रही है। इसी लापरवाही के कारण पिछले कुछ वर्षों से भिखारियों ने इस पर अवैध रूप से कब्जा जमा लिया है। वहीं पिछले कुछ महीनों से नशेड़ियों का भी ये अड्डा बन गया है। इस छतरी में शराबी शराब पीते बैठते हैं। नागपुर शहर में ऐतिहासिक धरोहर को बरकरार रखने और उनकी देखरेख करने के लिए पुरातत्व विभाग कार्यरत है। बावजूद इसके हेरिटेज छतरी का संरक्षण करने की बजाय अधिकारी कुंभकर्णी नींद में हैं। इस छतरी पर कुछ लोगों ने कब्जा जमा रखा है। यहाँ गीले कपड़े सुखाए जाते हैं। रात में कुछ आवारा तत्वों का अड्डा भी बन जाता है। समीप ही चाय की टपरी है। यहाँ पुलिस वाले भी चाय पीते नजर आते हैं, लेकिन उनकी नज़र भी शायद यहाँ नहीं पड़ रही। हालत यह है कि जिस शराबी को शराब पीने की जगह नहीं मिलती, वह शराब की बोतल और गिलास लेकर इस छतरी पर पहुँच जाता है। भीतर घुसकर बैठने से बाहर से कुछ नजर नहीं आता। यहाँ दारू की खाली बोतलें पड़ी नजर आती हैं। इसके अलावा हर समय छतरी के इर्द गिर्द ऑटो और निजी वाहनों का जमावड़ा लगा रहता है। इस ऐतिहासिक धरोहर की हालत देखरेख के अभाव में जर्जर होती जा रही है। कुछ वर्ष पूर्व इसके मेंटेनेंस का कार्य किया गया था। इसके लिए गुजरात से कारीगरों को भी बुलाया गया था, लेकिन उसके बाद विभाग शायद इसे भूल ही गया। छतरी के भीतर पपड़ियां निकल रही है। नागरिकों ने मांग की है कि पहले इस छतरी को शराबियों व असामाजिक तत्वों से मुक्त कराया जाए और सुधार कार्य किए जाए। सिटी में कई बड़े बड़े प्रकल्पों को पूरा किया गया और अनेक प्रस्तावित भी हैं, लेकिन यहाँ के उद्यानों के विकास को लेकर जो दावे किए जा रहे थे वह पूरा नहीं हो रहे। फिर चाहे वह सेमिनरी हिल्स हो या अंबाझरी का सुंदर उद्यान, अंबाझरी की किस्मत तो कई विभागों के बीच झूल ही रही है। नागपुर के जनप्रतिनिधि ने अंबाझरी उद्यान को शेगांव के आनंद सागर की तर्ज पर विकसित करने का सपना दिखाया था और ये महज सपना ही बनकर रह गया है। अंबाझरी लेक में कुछ वर्ष पूर्व तरह तरह की बोटिंग सुविधा उपलब्ध थी। लेक किनारे में उद्यान परिसर में बच्चों के खेलने के लिए अनेक गेम्स और झूले आदि भी थे। तब यहाँ रौनक हुआ करती थी, लोगों का वीकेंड इस उद्यान में बीतता था। लेकिन जब ठेकेदार के ठेके की अवधि समाप्त हुई तो फिर सब कुछ बंद हो गया। इस उद्यान में एक तरह की वीरानी ही छा गई और लव बर्ड्स का तो ये अड्डा ही बन गया। मनपा ने दोबारा यहाँ वाटर पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, लेक व्यू पार्क, बोटिंग की सुविधा शुरू करने की योजना बनाई थी। उद्यान को शेगांव के आनंद सागर की तरह विकसित करने की घोषणा भी की गई। कहा जा रहा था कि शहर का यह सबसे अच्छा पर्यटन स्थल के रूप में से विकसित किया जाएगा, लेकिन अब तक लोग इसका इंतजार ही कर रहे हैं। महानगरपालिका के उद्यान विभाग ने 6 वर्ष पहले अंबाझरी परिसर के पूरे 44 एकड़ को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया था। 19 एकड़ को एमटीडीसी और 25 एकड़ को महानगरपालिका विकसित करने वाली थी। विकसित करने के बाद यहां से होने वाली आय से भी महानगरपालिका व एमटीडीसी का अपना हिस्सा भी तय कर लिया गया था, लेकिन एमटीडीसी द्वारा रुचि नहीं ली गई और बाद में यह तय हुआ कि महानगरपालिका ही इसे विकसित करेगी। अब तक तो यहाँ कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। बच्चों के झूले, फिसल पट्टी पुराने हो गए हैं, कुछ तो टूट फूट भी गए हैं। यहाँ बच्चों की टॉय ट्रेन चलाया करती थी, वो भी बंद हो गई है। यहाँ अभी भी पूरी सिटी से लोग अपने परिवार के साथ पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ की दशा देखकर दुखी हो जाते हैं। कोरोना काल में तो लगभग 2.25 वर्ष उद्यान बंद ही था। हाँ, इस परिसर में ओवरफ्लो पॉइंट में स्वामी विवेकानंद स्मारक की ओर अच्छी साज सज्जा की गई है। नागरिकों की भीड़ भी यहाँ देखी जाती है। नागरिकों का कहना है कि अंबाझरी उद्यान का विकास भी तेजी से किया जाना चाहिए। वीकेबी के प्राइम टाइम में आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे बाकी की खबरों के साथ। देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।